हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फ्यू मोर इनपुट डिवाइसेस। आज हम जो है कुछ और इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो हम लोगों ने कीबोर्ड और माउस को डिस्कस किया था। इसके अलावा भी कुछ और डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को, जो भी कोई भी आपको डाटा इनपुट करना हो, तो अगर आपको कोई भी डेटा कंप्यूटर को इनपुट करना है तो आपको इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कीबोर्ड और माउस तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड एंड माउस ये प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो चैनल पे है, आप चाहे तो रिफर कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद, जैसे थर्ड है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर क्या होता है कि इट इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस लाइक द माउस, विच कंसिस्ट ऑफ ए स्टिक दैट पाइवोट्स ऑन ए स्फेरिकल बॉल ऑन इट्स बेस। यानी कि जॉयस्टिक आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि मान लीजिए जैसे ये कोई बेस बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का बेस बना हुआ है, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है और इस बॉल के साथ एक ये स्टिक अटैच रहती है, छड़ी डंडी समझ लीजिए। तो इसको जैसे हम मूव कराते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फोर व्हीलर में, कार वगैरह में, जैसे जो फ्लोर गियर होते हैं, तो जैसे गियर को आप मूव कराते हैं, गियर को, वैसे ही जॉयस्टिक में क्या होता है, ये स्फेरिकल बॉल होती है, इसके साथ ये स्टिक लगी होती है और स्टिक को जैसे हम मूव कराते हैं वैसे ही हमारे मॉनिटर, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर पर मान लीजिए ये कर्सर यहाँ पे है इस तरह, जैसे 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 इसको मूव कराते हैं वैसे ही ये कर्सर जो है अलग अलग पोजीशन पे मॉनिटर पे मूव हो सकता है। तो ये एक और इनपुट डिवाइस है, दिस इज नोन एज जॉयस्टिक। सिमिलरली आप इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि ये जॉयस्टिक इज सिमिलर टू ए लार्ज टॉगल स्विच। इट इज ए स्टिक सेट इन टू क्रॉस्ड ग्रूव्स एंड कैन बी मूव्ड लेफ्ट और राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी कि ये इस तरह डिजाइन किया रहता है कि इसमें आप लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड चारों डायरेक्शन में आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि पहला तो सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि बहुत इजी टू यूज है, पहला आप ये कह सकते हैं इजी टू यूज। और सेकेंड एडवांटेज जो है वो है कि कॉस्टली नहीं है, ये दिस इज नॉट कॉस्टली, या ये कह सकते हैं आप कि चीपर है। तो पहला तो एडवांटेज दोनों ये हो गए। सॉरी, डिसएडवांटेज क्या है इसका कि मूवमेंट इज ऑफर्ड ओनली इन फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स, ठीक है ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट है आपकी वो लेफ्ट राइट फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको से इस पॉइंट पे जाना है तो आप माउस की तरह, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे पॉइंटिंग करने लगे, आपको फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाना होगा, ठीक। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसके साथ डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया आपका जॉयस्टिक। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है वो हम सब लोगों ने यूज भी किया होगा कई बार, नेक्स्ट आता है आपका स्कैनर। स्कैनर ठीक है, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर सिंपली एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या रहता है कि जो भी डेटा हमको स्कैन करना है, ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि वो डेटा हमारा इमेज की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इमेज की फॉर्म में मतलब जैसे मान लीजिए कोई से ये एक पेज है, ठीक है, इस पे चाहे कोई टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है या कोई इमेज बनी हुई है या वॉट एवर इज प्रिंटेड ऑन दिस पेज, इसको हमें इनपुट करना है किसमें? कंप्यूटर में। तो इसको अगर हमें इनपुट करना है कंप्यूटर में तो हम क्या करेंगे, स्कैनर की मदद से इसको स्कैन कर लेंगे और इसको फिर हम स्कैन करने के बाद इनपुट हो जाएगा ये कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये काम होता है स्कैनर का। अब स्कैनर जो होते हैं आपके, सिंपली आप कह सकते हैं कि स्कैनर वॉज डेवलप्ड या इन्वेंटेड इन 1957। और कहाँ पे ये बनाया गया था? एट यूनाइटेड स्टेट और बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स।
यूनाइटेड स्टेट्स में 1957 में स्कैनर बनाया गया था, और कहाँ पे? नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में। ठीक, और इसको जो बनाया था किसने? एक टीम ने डेवलप किया था, और टीम के जो इंचार्ज थे, टीम इज लेड बाय मिस्टर रशेल क्रिस्ट, बाय मिस्टर रशेल क्रिस्ट। तो इस तरह जो है स्कैनर का डेवलपमेंट हुआ। अब जो स्कैनर होते हैं आपके, वो भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, स्कैनर आपके दो तीन टाइप के होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है आपका, वो है आपका, फर्स्ट टाइप हो गया हैंड हेल्ड स्कैनर। फर्स्ट टाइप इज हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लैट बेड स्कैनर एंड देन ड्रम स्कैनर। नेक्स्ट है आपका फ्लैट बेड स्कैनर और फिर ड्रम स्कैनर। ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? जैसे इसका एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम है हैंड हेल्ड, मतलब आप इसको अपने हाथों में ले सकते हैं, कि दीज आर वेरी स्मॉल विच कैन बी हेल्ड इन ए हैंड। ठीक है, और ये जो हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, दे आर लेस एक्सपेंसिव, लेकिन बट लेस वाइड। लेस वाइड मतलब सिंपल सी बात है, जब आप इनको हाथ में ले सकते हैं तो ठीक है, ये सस्ते तो होते हैं लेकिन उतने ही बड़े होंगे ना, जितना बड़ा जो है आप उसको हाथ में ले सकते हैं। तो इसीलिए बोला हुआ है कि ये लेस वाइड होते हैं, इनकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। ठीक है, तो अगर आपको, इफ यू वांट टू स्कैन ए सिंगल पेज इमेज, ठीक है, तो भी आपको उस सिंगल पेज को कई टुकड़ों में स्कैन करना होगा। मान लीजिए आपका एक सिंगल पेज, जब हम सिंगल पेज की बात करते हैं, सपोज कीजिए आपका A4 साइज पेज है। ठीक, और आपके पास जो स्कैनर है वो हैंड हेल्ड है, छोटा है, तो हो सकता है कि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को, इमेज को स्कैन करने के लिए आपको 3 बार, एक बार आपने यहां से यहां तक स्कैन कर लिया, फिर आपने यहां से यहां तक स्कैन कर लिया, फिर आपने यहां से यहां तक स्कैन कर लिया, मतलब यू हैव टू सेपरेट इट इंटू वेरियस पार्ट्स इन ऑर्डर टू स्कैन ए सिंगल पेज। तो ये तो काम होता है हैंड हेल्ड स्कैनर का। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए फ्लैट बेड। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं कि ये आपके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्लैट बेड स्कैनर को कहीं पे आपके प्रिंटिंग शॉप पे, दीज स्कैनर्स हैव ए फ्लैट सरफेस ऑन विच द प्रिंटेड इमेज टू बी स्कैन इज प्लेस्ड। ठीक है, ये जो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, ये मान लीजिए इस तरह के होते हैं, से इस तरह के। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका ये कवर रहता है। ठीक, तो जिस भी पेज को आपको स्कैन करना है वो आप इसके ऊपर रखते हैं, फिर इसको कवर कर देते हैं, और फिर चूंकि ये स्कैनर अटैच रहता है कंप्यूटर से, पीसी से, तो फिर आप इसको स्कैन करते हैं। तो फ्लैट बेड स्कैनर से क्या होता है कि आप एक पेज को, इस पूरे पेज को आप एक बार में स्कैन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लैट बेड स्कैनर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होते हैं? नेक्स्ट इज ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर में क्या होता है कि दीज आर मीडियम साइज स्कैनर विद ए रोलिंग ड्रम, द शीट इज फेड थ्रू द स्कैनर सो दैट ड्रम रोल्स ओवर द एंटायर शीट टू बी स्कैन। ठीक है, जस्ट एज द शीट्स आर फेड इन टू अ फैक्स मशीन। तो ड्रम स्कैनर में क्या होता है कि इसके अंदर ड्रम यूज किए जाते हैं स्कैन करने के लिए। ठीक, और जो शीट है, मान लीजिए ये आपका पेपर है जिसको स्कैन करना है। ठीक, तो ये जो ड्रम है ये इसके ऊपर रोल करता हुआ यहां से वहां तक जाता है ऐसे, तो इसके अंदर जो भी इमेज या टेक्स्ट या जो भी इसके अंदर कैरेक्टर है वो स्कैन होके वो इनपुट हो जाते हैं कंप्यूटर में।
तो ये है आपका ड्रम स्कैनर, ठीक। उसके बाद एडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो एडवांटेज इसमें, जैसे अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर्स आर वेरी एक्यूरेट एंड कैन प्रोड्यूस इमेजेस विद ए फार हायर रिजोल्यूशन देन ए डिजिटल कैमरा। यानी कि जो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, ठीक है, इनका जो रिजोल्यूशन होता है, जो क्वालिटी होती है स्कैन डॉक्यूमेंट की, वो कहीं बेहतर होती है, फार बेटर देन ए डिजिटल कैमरा। यानी कि जहां पे आपको गुड क्वालिटी का डॉक्यूमेंट चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट, वहां पे अगर आप मान लीजिए डिजिटल कैमरे से फोटो लेके आप चाहें कि वो काम कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कैनर से जो आप स्कैन करेंगे उनका रिजोल्यूशन हाई होगा, तो उसकी पिक्चर क्वालिटी जो स्कैन डॉक्यूमेंट की, वो कहीं बेहतर होगी डिजिटल कैमरे से। सेकंड है आपका कि एनी इमेज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम पेपर इनटू डिजिटल फॉर्मेट एंड लेटर एनहेंस्ड एंड यूज्ड इन अदर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि कोई भी आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपके पास छपा हुआ डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, इसको आप स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने किसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, कोई भी आपने थ्योरी नोट्स बनाए हुए हैं, और आपको उसको डिजिटलाइज्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको स्कैन करेंगे, तो वो पेपर फॉर्म से, वो हार्ड कॉपी से, वो सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसके दो एडवांटेज हो गए स्कैनर्स के। उसके बाद एक और इनपुट डिवाइस आती है, वो हम सब लोग उसको अभी आज की डेली यूज में, डेली एक्टिविटीज में, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में, सब जगह आप लोग देखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बारकोड क्या होता है। बारकोड क्या होता है? बारकोड सिंपली आप ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो लाखों प्रोडक्ट्स बना रही है, हजारों प्रोडक्ट बना रही है, तो हर प्रोडक्ट के लिए वो एक पर्टिकुलर बारकोड उस प्रोडक्ट को अलॉट करती है। उस बारकोड में कंपनी जितनी भी चीजें चाहती है वो उसमें वो इंक्लूड करती है, कि भाई मान लीजिए किस ईयर में ये प्रोडक्ट बना है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक, कंपनी का नाम हो गया कि कौन सी कंपनी इसको बना रही है, ठीक, और हमने कहा से सपोज कीजिए एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, मतलब व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन कंपनी वांट्स टू इंक्लूड इन द बारकोड, वो उस बारकोड में कंपनी इंक्लूड कर देती है कोडेड फॉर्म में। क्योंकि बारकोड आप जो देखोगे तो वहां कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप देखते हैं, आपने कई जगह देखा होगा, जब शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जब बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, वो क्या करता है कि एक सामान उठा के, और वो बारकोड रीडर से वो क्लिक क्लिक आवाज आती है, और वो स्कैन करके उस सामान की डिटेल कंप्यूटर के उसमें आ जाती है, उसके बिल में, ठीक। तो बारकोड जो आप देखेंगे, कहीं पतली लाइन है, कहीं मोटी लाइन है, ठीक है, आपने इस तरह के बारकोड आज के समय में लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे इस तरह है, इस तरह है, तो ये जो लाइनें बनी होती हैं, मोटी पतली, और ये इनका इनका ऐसा नहीं है डिजाइन के लिए ऐसे ही बनी होती हैं, इनका पर्टिकुलर डिकोडिंग होती है, और इसकी डिकोडिंग वो कंपनी ही जानती है, ठीक। तो बार कोड रीडर क्या करता है? बार कोड रीडर वो इक्विपमेंट है, वो इनपुट डिवाइस है, कि जब आप बार कोड रीडर से इस बार कोड को रीड करेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगी। और ये चीज अगर आपको एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा और देखना भी है, तो जैसे मॉल वगैरह में, बड़ी शॉप्स में या छोटी शॉप में, जहां पे भी
आप देखिए बिलिंग सिस्टम कंप्यूटर से हो रहा है, तो वो बारकोड से तुरंत उस प्रोडक्ट को रीड करता है, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उसके कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाती है, फिर वो दूसरा प्रोडक्ट उठाता है, उसको रीड करता है, उसकी पूरी डिटेल उस कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाती है। तो ये यूज है बारकोड रीडर का, ठीक है। इसको सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, बारकोड होता क्या है, बारकोड इज ए मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ डार्क एंड लाइटिंग, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बारकोड। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वेबकैम, वेबकैम, ठीक है, इसको आप वेब कैमरा भी बोल सकते हैं। वेबकैम भी आप लोगों ने देखा होगा आजकल, चूंकि कोरोना के बाद से तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन मीटिंग और ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, एसेंशियल हो चुकी हैं। तो वेबकैम क्या है, वेबकैम आपने देखा होगा सब जगह पे रहता है, बगैर वेबकैम के आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर नहीं सकते, ठीक। तो वेबकैम क्या है, वेबकैम इज ए डिजिटल कैमरा अटैच टू ए कंप्यूटर एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग। तो ये वेबकैम होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दे कैन कैप्चर फुल मोशन वीडियोज एज वेल, ए कैमरा कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर दैट अलाउज एनी वन कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू व्यू आइदर ए स्टिल पिक्चर और मोशन वीडियो ऑफ ए यूजर और अदर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका एक और इनपुट डिवाइस, वेबकैम। उसके बाद डिजिटल कैमरा, आप सब लोग जानते हैं डिजिटल कैमरा क्या होता है, ठीक है, डिजिटल कैमरा, इसको वेब कैमरा, भाई डिजिटल कैमरा और इसको वेब कैमरा इसलिए बोलते हैं कि जनरली ये इंटरनेट एप्लीकेशन में यूज होता है, होता ये भी डिजिटल कैमरा ही है, लेकिन चूंकि ये दिस इज कॉमनली यूज्ड ऑन द एप्लीकेशन इन विच इंटरनेट इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेब कैम। क्लियर। नाउ वी कम टू द डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है, कैमरा दैट स्टोर्स द पिक्चर और वीडियोस इट टेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ फिल्म। पहले जैसे जो कैमरे आते थे तो उससे हम लोग फोटो वगैरह लेते थे, फिर फिल्म जो है कलर लैब में भेजते थे धुलने को, डेवलप होती थी और तब फोटो बन के आती थी। डिजिटल कैमरा में क्या है, डिजिटल कैमरा में जैसे मेमोरी के लिए मेमोरी कार्ड वगैरह लगा रहता है, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। और जो भी हम फोटो कैप्चर करते हैं या कोई भी वीडियो, मान लीजिए कोई वेडिंग वीडियो है या कोई भी ओकेजन है या कोई हमारे फंक्शन हो रहा है, उसको जो हम शूट करते हैं, तो वो सारा जो भी फोटो है या वीडियो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। और डिजिटल स्टोरेज के लिए इसके डिजिटल कैमरा में चाहे मेमोरी कार्ड चाहे अदर डिवाइसेस जो है लगी होती हैं। तो ये यूज हो गया डिजिटल कैमरा का। उसके बाद कुछ और इनपुट डिवाइसेस जैसे जो आज के डेट में यूज होते हैं, जैसे पहला है आपका टच स्क्रीन। आज के समय में टच स्क्रीन का बहुत ज्यादा क्रेज भी है, डिमांड भी है और जरूरी भी है आज के समय में एप्लीकेशंस के लिए। तो टच स्क्रीन क्या होता है, सिंपली आप लिखिए टच स्क्रीन। क्लियर। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ए टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सिंपली आज की डेट में सारे लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन जो आप लोग जैसे एंड्रॉयड हो गया या एप्पल हो, जो भी है आपका, वो उनका जो आप स्क्रीन देखते हैं वो टच स्क्रीन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे आप अपने फिंगर से जिस भी आइकन पे आप रखेंगे या जो भी करेंगे तो दैट स्क्रीन इज सेंसिटिव टू द टच एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन इज ऑल्सो एक्ट एज ए इनपुट डिवाइस, ठीक। उसके बाद आपका ऐसी जैसे टच स्क्रीन होता है वैसे ही टच पैड भी आता है, टच पैड, ठीक, या टच पैड कह लीजिए इसको, या ट्रैक पैड, ठीक है, ट्रैक पैड। अब टच पैड क्या है, टच पैड भी सिंपली एक ऐसा एरिया है जो टच को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आप देखते हैं लैपटॉप वगैरह में टच पैड बना रहता है ना, जिधर हम उंगली रख के जो है माउस को इधर उधर मूव कराते हैं, माउस को कह रहे हैं सॉरी, कर्सर को स्क्रीन पे, ठीक है। तो वो हो गया आपका टच पैड, मीन्स द एरिया
विच इज सेंसिटिव टू द टच। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही आपका ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या होता है? द ट्रैक पॉइंट एक्ट्स लाइक ए लिटिल जॉयस्टिक दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द ऑन स्क्रीन कर्सर। तो ऐसे ही आपका एक और इनपुट डिवाइस होता है ट्रैक पॉइंट। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल भी क्या होता है? तो जैसे अभी हम लोगों ने जॉयस्टिक पढ़ा था शुरुआत में इस लेक्चर के, ऐसे ही एक इनपुट डिवाइस होती है ट्रैक बॉल। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल बॉल रहती है, जैसे आपने माउस में देखा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम माउस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं द ट्रैक बॉल इज सॉर्ट ऑफ लाइक एन अपसाइड डाउन माउस विद द बॉल लोकेटेड ऑन द टॉप। यानी कि यहां पे ऐसे ये बॉल लोकेटेड रहती है और इस बॉल को जैसे हम मूव कराते हैं इस तरह, उस हिसाब से जो स्क्रीन पे हमारा कर्सर है वो मूव करता रहता है। इस बॉल के मूवमेंट के हिसाब से स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। उसके बाद कुछ और इनपुट डिवाइसेस अभी रह गए हैं आपके। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल फ्यू अदर इनपुट डिवाइसेस आर रिमेनिंग, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, या कोई भी कंफ्यूजन है, या कोई भी और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।